आप डीमार्ट का नाम भी बहुत लोगों ने सुना है और बिग बाजार का भी लोग बहुत तो लोगों ने नाम सुना है। डीमार्ट का एक शेयर 3380 रुपए का, पिछले 5 साल की रिटर्न है 450% की। आप आ जाओ यहां पर बिग बाजार, बिग बाजार का एक शेयर मात्र 63 रुपए का और नेगेटिव रिटर्न है। बिग बाजार चल रही है घाटे में, हालांकि अगर आप जाओगे तो बिग बाजार में भी आपको ऑलमोस्ट वही सामान मिलता है जो डीमार्ट में मिलता है। तो डीमार्ट और बिग बाजार में फर्क क्या है? डीमार्ट ने क्या किया, कभी भी नया स्टोर खोलने के लिए कभी भी उधार नहीं लिया किसी बैंक से। उसने कहा हम कोई एक स्टोर खोलेंगे, उसका प्रॉफिट जो होगा उसके प्रॉफिट को यूज करके हम दूसरा स्टोर खोलेंगे, हम किसी से उधार नहीं लेंगे। एक एक स्टोर से दूसरा स्टोर खुला, फिर 2 स्टोर के प्रॉफिट से 4 स्टोर खुले, 4 स्टोर के प्रॉफिट से 8 स्टोर खुले, ऐसे करके क्यूमुलेटिवली आज डीमार्ट पूरे इंडिया भर में फैली हुई है। लेकिन सेल क्या लेवल की स्केल होती है, सेल होती है यहां पर। आपको पता है डीमार्ट खुलता है शहर के बाहर और लोग दूर दूर से डीमार्ट पर जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि डीमार्ट में क्या होगा, चीजें सस्ती मिलेंगी। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इंडिया में ना ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सस्ता चाहिए, एवरेज बिलो एवरेज सस्ता चाहिए। वो हर संडे जाएंगे सामान लेने के लिए, जब डीमार्ट में घुसते हैं ना तो वो पूरे सप्ताह भर का सामान लेके आते हैं, कई लोग तो महीने भर का सामान ले आते हैं। तो ये खास बात है। तो वहां पर है ना सस्ता बेचने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है क्योंकि सामान ज्यादा बेच रहा है। डीमार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसकी ऐप डाउनलोड करो, घर पे ऑर्डर करो, घर पे दे जाएगा। वही बिग बाजार क्यों फेल हुआ, बिग बाजार के साथ समस्या है। जहां पर डीमार्ट के अंदर आप जाओगे ना आपको पूरे साल भर सेल मिलेगी, हर चीज सेल पे मिलती है। बिग बाजार में हर साल भर सेल नहीं होती है। डीमार्ट और बिग बाजार में क्या फर्क है, बिग बाजार का जो स्टोर होगा ना वो लैविश होगा, ठंडा ठंडा हो रहा है। यहाँ पर डीमार्ट में ऐसा नहीं है। डीमार्ट के स्टोर पे कभी जाके देखना आप, डीमार्ट के स्टोर में सारी चीजें ऐसी रखी हुई है, कोई एसी वेसी नहीं है जी, सस्ते दे रहे, चीजें ऐसी रखी हुई है, ज्यादा साज सज्जा नहीं होती, खरीदो और लेके जाओ। तो डीमार्ट को इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं, यहाँ पर बिग बाजार को लोग रेकमेंड नहीं करते।